ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಅಧ್ಯಾಯ 39 ಪ್ರಾರಂಭ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಬಾಬಾ ಕಿ ಅಸೀಮ ಕೃಪಾ ಸೇ ಆಜ್ ಹಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ 39 ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್. ಸಬ್ ಕೋ ಅಚರಜ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ ಸುನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಅಪನೆ ಲಿಯೆ ಬನವಾ ದಿಯಾ ಅಪನಾ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ. इस अध्याय में बाबा का संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका एवं समाधि मंदिर का निर्माण, इन बातों का हम आज श्रवण करेंगे. बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है. कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था, और नाना साहेब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी. इसका खंडन हेमाड़ पंत ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है. दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण वे यहां सम्मिलित रूप में दिए जाते हैं. प्रस्तावना. शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है. श्री द्वारिका माई भी धन्य है, जहां श्री साई ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्थ हुए. शिरडी के नर नारी भी धन्य हैं, जिन्हें साई ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेम वश ही वे दूर से चलकर वहां आए. शिरडी तो पहले एक छोटा सा गांव था, परंतु श्री साई के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया. शिरडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं, जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा के परे है. आठों प्रहर काम काज करते, पीसते, अनाज निकालते, घर काम करते हुए वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थीं. उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है. वे अत्यंत मधुर गायन करती थीं, जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी. आइए अब हम बाबा द्वारा टीका की कथा सुने. किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता है. एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया. इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी वी देव ने मराठी साई लीला पत्रिका के भाग 4 में छपवाया है. इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबाज चार्टर्स एंड सेइंग्स पुस्तक के 61वें पृष्ठ पर और द वंडरस सेंट साई बाबा के पृष्ठ 36 पर भी छपा है. ये दोनों पुस्तकें श्री बी वी नरसिम्ह स्वामी द्वारा रचित हैं. श्री बी वी देव ने अंग्रेजी में तारीख 27/9/1936 को एक वक्तव्य दिया है, जो कि नरसिम्ह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग 3 में छापा गया है. श्री देव को इस विषय की प्रथम सूचना नाना साहेब चांदोरकर से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका कथन नीचे उद्धृत किया जाता है. नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे. उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था, तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था. उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, इसीलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया. यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे. बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे. नाना साहेब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे. बाबा ने कहा, नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो? बाबा मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं.
कौन सा श्लोक है वह? ये भगवत गीता का एक श्लोक है। जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है? जी महाराज। यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। बाबा इसका अर्थ है, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। नाना मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। नाना क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? बाबा नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं समझता। परिप्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न पूछना। प्रश्न का क्या अर्थ है? वही। यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? बाबा मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। सेवा, यहां किस प्रकार की सेवा से आशय है? वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। क्या ये सेवा पर्याप्त है? बाबा और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। दूसरी पंक्ति के उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम्, इसका क्या तुम ज्ञानम शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? जी हाँ। कौन सा शब्द? अज्ञानम। ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप। जी हाँ वे ज्ञानावतार थे, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, किसी को प्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन
प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूं। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान का उपदेश कैसा है, अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। गीता के श्लोक 18:66 पर ज्ञानेश्वरी भाष्य की ओवी 1396 में इस प्रकार वर्णन है, हे अर्जुन, यदि तुम्हारी निद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो, वह इसी प्रकार है। गीता के अध्याय 5:16 के आगे टीका में लिखा है, क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यही अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मोपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता का अध्याय 5 देखो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जैसा कि वहां बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूं, एक प्राणी हूं, दुर्बल और असहाय हूं। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काटकर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूं, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूं। सतत ब्रह्म में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूं, एक जीव हूं तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि ये अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वह अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के नीचे लिखे उदाहरण है। पहला, मैं
एक जीव अर्थात प्राणी हूं, दूसरा शरीर ही आत्मा है अर्थात मैं शरीर हूं, तीसरा ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं, चौथा मैं ईश्वर नहीं हूं, पांचवा शरीर आत्मा नहीं है इसका बोध न होना, छठा इसका ज्ञान न होना कि ईश्वर विश्व और जीव एक ही है। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या अन्योन्याश्रित संबंध हैं तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न हैं अथवा एक ही हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, एक प्रणिपात का अर्थ है शरणागति, दो शरणागत होना चाहिए तन मन धन से अर्थात अनन्य भाव से, तीन कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं, सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है, भगवद गीता अध्याय 7:19 अर्थात कोई भी गुरु अपने भक्त के लिए कृष्ण है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा, भगवद गीता अध्याय 7:18 पर ज्ञान देव की टीका, क्योंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। आइए अब हम बात करते हैं समाधि मंदिर का निर्माण। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे, प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी सकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा, तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहिब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उससे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगा, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रुंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर जोर से रोने लगा। बापू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। धनाढ्य तो वे थे ही, उन्होंने वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गए। बाबा भी लेंडी को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था
उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे, तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा, जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। और वाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब वाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष के नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा दिखने लगा कि वे अब देह त्याग देंगे। बापू साहेब बहुत उदास और निराश से हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग 1,00,000 रुपया व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्री मुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना केवल बूटी साहिब को ही सांत्वना नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर। उनकी अगाध लीलाओं की थाह कोई न पा सका। श्री बापू साहेब बूटी धन्य हैं जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। साई वचन पुराण है, साई मंत्र है वेद, जिनके मुख साई नाम को भेद। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 39 संपूर्णम्।